हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एली और आज हम लोग हिंदी स्टोरी बुक पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ जरूर पढ़ना। तो चलिए हम लोग मिलकर धोबी और गधे की कहानी पढ़ते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलकर पढ़ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गधा और धोबी। एक निर्धन धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधे की रेंकने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता चल गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको गधे और धोबी की कहानी कैसी लगी? क्या आपको ऐसी ही और कहानी देखनी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग ऐसी ही दूसरी वीडियो में फिर से मिल सके। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।